हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आ जाइए भाई मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत 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 स्वागत है। और स्वागत आपका कैसे कर रही हूँ ये देख लीजिए, इतनी सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास। और आप सोच रहे होंगे आज मेरे पास दवाइयों का क्या काम है भाई। तो दवाइयों का बहुत काम होता है, हमारे गार्डन में बहुत काम होता है। जैसे हम लोग के हेल्थ में दवाइयाँ मेन होती हैं, वैसे ही हमारे गार्डन के लिए, मतलब जैसे हम लोग बीमार होते हैं ऐसे ही हमारे पौधे बीमार होते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे। फर्क क्या होता है कि हम लोग जब मेन दवा लेते हैं तो ये दवाइयां खाते हैं। अब इन दवाइयों को क्या है, ये दवाइयां हैं एक्सपायर, मतलब कि एक्सपायर डेट हो चुकी है इन सारी दवाइयों की। अब ये दवाइयां हमारे हेल्थ के बिल्कुल कोई काम की नहीं है, लेकिन हमारे पौधों के लिए 100 गुण संपन्न है। मतलब जैसे हमारा अनाज सड़ जाता है तो अपना अनाज हमारा क्या होता है, 100% बिल्कुल बेनिफिट होता है हमारे पौधों के लिए। जितना सड़ा अनाज होता है, जितनी सड़ी खाद होती है, जितनी गोबर की पुरानी खाद होती है, ये सब हम लोग के पौधों के लिए सबसे ज्यादा 100% बेनिफिट होती है। तो जब हमारी गोबर की सड़ी हुई खाद होती है 100%, तो ये हमारी एक्सपायर डेट जो दवाइयां होती है ये भी हमारे 100% काम की होती है। तो आज मैं आपको इनको बताती हूँ क्या क्या फायदे हो सकते हैं इन दवाइयों से। मतलब की बरसात बरसात के टाइम हम लोग के गार्डन में इतने कीड़े आते हैं कि आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। हर आदमी सोचता है अब हम लोग क्या ऐसी चीजें डालते जाएं जो हमारे कीड़े खत्म होते जाएं। सारे पत्तों में छेद हो रहे हैं, कोई कीड़ा मुड़ रहा है, कोई पत्ता पीला हो रहा है, कोई बिल्कुल ही पेड़ धीमे धीमे खत्म हो जा रहा है, पता लगा जड़ी पूरी गल गई। तो क्यों होती है इस तरह की ये सब कीड़े, देख लीजिए अभी हेलीकॉप्टर टाइप का एक कीड़ा बैठा है। ये कीड़ा इतना बदतमीज होता है, इसको मैं 10 बार भगा चुकी हूँ अपने गार्डन से, उसके बाद भी ये उड़ जाता है। देख लीजिए ये तार के ऊपर, देख लीजिए कितने सारे ढेर सारे हेलीकॉप्टर जैसे बैठते हैं, हम लोग तो उसको हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं। और ये हमारे पेड़ को बिल्कुल जैसे जाली होता है, पूरा आपका पत्ता ऐसे खा जाएगा, बिल्कुल जाली बना देता है। तो ये हम लोग को सोच लीजिए पता ही नहीं चलता हमारे पेड़ पौधों में जालियां कैसे बनती चली जा रही हैं। अब ये देखिए मेरा सिंगोनिया बेचारा प्लांट है और पूरे छेद छेद कर दिए। तो ये एक रोए वाला कीड़ा होता है जो मैं आपको अक्सर शॉर्ट्स में दिखाती रहती हूँ, बीन बीन के कीड़े हटाती रहती हूँ। शंख वाले कीड़े, रोए वाले कीड़े, और बिल्कुल जो हमारे लेमन प्लांट में काला कीड़ा बैठता है, एक सफेद कीड़ा बैठता है, एक लाल कीड़ा बैठता है, ये सब कीड़े हमारे पौधों के हैं दुश्मन। तो ये हमारी दवाइयां जो होती हैं सारे दुश्मनों की कर देगी छुट्टी। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है बरसात के टाइम में। सबसे ज्यादा ये हमारे पौधों में बरसात के टाइम ही ज्यादा फायदा, वैसे तो ऑल ओवर फायदा करती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हम लोग बरसात में इसका करते हैं। तो देख लीजिए हमारी सारी मट्टी इसमें गल गई है और बहुत पानी बरसने की वजह से दिक्कत होती है, जिसमें कि कीड़े पनप जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मेरा सदाबहार का प्लांट है, ये मेरा हल्दी का प्लांट है, कितने बड़े बड़े इसमें हो रहे हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी मैं इस पर ध्यान ज्यादा नहीं दूंगी। लेकिन ये लेमन प्लांट है, लेमन प्लांट मेरी गर्मी की वजह से खराब भी हो गया था, और इसके और अब इसमें ऐसे कीड़े लग रहे हैं कि इसके पत्ता समझ लीजिए एक पत्ता बच ही नहीं रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देख सकते हैं ये पत्ते, इस तरह के पत्ते पूरे जल जा रहे हैं। तो ये क्या है, इनके मुंह टेढ़े हो रहे हैं, सारे मुंह जल रहा है, किसी की कमर टेढ़ी हुई जा रही है। इसका मतलब इसमें कीड़ा ऐसे लगा है जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल गायब हो जा रहा है। तो ये हमारी दवाई जो है एक्सपायर डेट दवाई 100% काम करेगी। तो हमें क्या करना है, इन दवाइयों को, दो दवाइयां हमको अपने गमले में लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए ये मैंने यहाँ एक गाड़ दी, इसके अंदर मट्टी के अंदर, ये अंदर बिल्कुल कहीं भी गाड़ सकते हैं, बीच में भी गाड़ दीजिए, किनारे गाड़ दीजिए, इसको कहीं भी गाड़ सकते हैं। तो ये दवाइयां क्या होंगी, जो हमारे मट्टी बरसात का पानी होगा वो भी सीलन भी खत्म करेगी, और जो अंदर जो कीड़े हमारे गंदे वाले कीड़े हो गए जो हमारे पेड़ को हार्म कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए ये मेरा चांदनी का पेड़ है, इसमें देख लीजिए जगह जगह जाली बन रही है। ये देखिए कीड़ा, इस तरह के कीड़े आते हैं ये हम लोग को पता ही नहीं चलते हैं, पूरा पेड़ हमारा देखिए कैसे जाली बना दे रही है, ये पूरे पेड़ हमारे जाली बना देगा। और जब हमारा जाली ही नए नए कोमल पत्ते ज्यादा खा जाते हैं तो हमारे ऊपर से जो चीज निकलने वाली होती है वो खत्म ही हो जाती है। तो जो चीज बढ़ रही है वही चीज गायब हो जाएगी, तो हमारे पौधे ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। तो ये हमारी टेबलेट जो है हमारे पौधों के लिए अमृत बरसाने वाली पौधे करती है काम, और सारी हमारे कीड़ों का कर देगा काम तमाम। आज मैं लेके आई हूँ पौधों के लिए गोलियां, ऐसी गोलियां जो बंदूक से नहीं चलती है, मेरे हाथों से चलती है, हाथों से दिखाऊंगी गोली चला चला के। ये देखिए मेरा एक्सोरा का प्लांट, समझ लीजिए मैंने इसकी बिल्कुल A to Z कटिंग कर दी थी, और इतना खूबसूरत मेरा प्लांट, इतनी बढ़िया ग्रोथ, लेकिन कीड़े छोड़ ही नहीं रहे हैं। गर्मी की वजह से ये वैसे बेचारा परेशान था, अब बरसात में बेचारा बढ़ तो गया है, लेकिन ये कीड़े देख रहे हैं, ये देखिए फूल देखिए भर भर के आ रहे हैं। लेकिन यही देखिए, इधर से देखिए पूरा पत्ता गायब हो गया, इधर से देखिए पूरा पत्ता खत्म होता। मैं यहाँ से नोच लेती हूँ, कीड़े को ही नोच लेती हूँ, पत्ता तो मैं इसलिए नहीं हटाती क्योंकि मैंने कीड़ा ही नोच दिया। तो कहाँ तक कीड़े, जहां तक मुझे दिखते हैं, मैं तो पूरे टाइम छत में ही रहती हूँ और बिनती रहती हूँ। ये देखिए यहाँ भी मेरी कलियां भर भर के आ रही हैं, गजब की कलियां भर की हैं पूरे पेड़ में, लेकिन कीड़े की वजह से एक कली मेरी नहीं खिल पाएगी अगर मैंने इलाज नहीं किया समय पर। तो मुझे इसकी गोली भी मुझे यहाँ पे इसमें जड़ में डाल दूंगी, तो जड़ से ही
इसमें असर होता है ऊपर तक भी, ऊपर जो हम लोग नीम का छिड़काव कर देते हैं और भी हम लोग साबुन का स्प्रे कर देते हैं, वो हम लोग को करना ही करना है। हमको 7 दिन में स्प्रे अपने जितने हम साबुन हैंड वॉश उसका इनो का स्प्रे, इनो का स्प्रे बॉटल में 1 लीटर की बॉटल में हम लोग इनो का स्प्रे कर सकते हैं, इसमें चूने का स्प्रे कर सकते हैं हम लोग, फिटकरी का स्प्रे, हर हम लोग को 10 दिन में करना ही करना है। तो ये स्प्रे भी मैं आपको बता रही हूँ, स्प्रे मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, आज मुझे आपको दवा दिखानी है। स्प्रे भी आप जरूर करिएगा क्योंकि स्प्रे भी हम लोग का ऊपर का स्प्रे फिटकरी का हमने डाल दिया तो, और फिर मेन इस समय समझ लीजिए कपूर, जो कपूर की टैबलेट होती है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है। तो कपूर की एक टैबलेट आपको यहाँ, जैसे ये मेरी गोली है तो ये कपूर की टैबलेट आपको ऐसे रख देनी है, पत्ते जैसे आपके घेरावदार हैं तो आप यहाँ पे एक कपूर की टैबलेट इसमें रख दीजिए। मैं अभी कपूर आपको दिखाना भूल गई, नहीं मेन चीज, दो चीजों का मेरा टॉपिक था आज, कपूर और टैबलेट। तो कपूर अभी मैं नहीं लाऊंगी, बाद में दिखा दूंगी आप। ये सुगंध तो वो कीड़े समझ लीजिए कीड़ों का है दुश्मन कपूर, कपूर की टैबलेट एक रख दीजिए यहाँ पर, गजब की पूरे कीड़े दूर कोसों दूर भी अगर आ रहे होंगे तो इसकी महक सुन के भाग जाएंगे। तो ये मेरा कपूर और ये मेरी टैबलेट सारे गमलों में आज मुझे डालना है। अभी देखती हूँ ढूंढती हूँ कपूर, लाऊंगी तो वो भी आपको दिखा दूंगी। अब ये देखिए क्या है, ये हम लोग जो हम लोग को खांसी सर्दी जुकाम हो जाता है, इसमें आप देख सकते हैं तुलसी अदरक और दुनिया भर की पुदीना और पता नहीं कौन कौन से जो काढ़े में हम लोग फ्लेवर, काली मिर्च, दालचीनी, जितना भी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तुलसी अदरक काली मिर्च, इन सब का सेवन होता है, इससे काढ़ा बनता है, हल्दी भी होती है इसमें। तो ये काढ़ा हमारा एक्सपायरी डेट हो गया है, तो ये काढ़ा हमारे पौधों के लिए बनेगा अमृत। तो जितना भी ये काढ़े का पाउडर है इस तरह से देखिए, बिल्कुल दवाई की तरह होता है, इस तरह से हम लोग को किसी भी पौधे में जिसमें हम लोग को लग रहा हो कि हमारे कीड़े लग रहे हैं तो इस तरह से ऊपर डाल दीजिए, ऊपर भी डाल सकते हैं और अपने जड़ों में भी इसको बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। तो नीचे के कीड़े भी सारे छू हो जाएंगे और ऊपर के कीड़े भी इस काढ़े की महक से छू जाएंगे, क्योंकि जो हम लोग पीते हैं कितने मुंह बनाते हैं तो कीड़े के भी मुंह ऐसे ही बन जाते हैं इस काढ़े को पी के। अब ये देखिए मैं लेके आई हूँ, मैं ढूंढ लाई कपूर की गोली। अब ये कपूर की गोली क्या है, ये हम लोग की अमृत बिल्कुल काम करती है। आप चाहें तो इसकी एक पोटली बना सकते हैं और पोटली बना के इसको यहाँ पे लटका दीजिए, बस आपको ये करना है। ये देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इस पे आपको बस ये ऐसे कपूर की गोली आपको यहाँ रख देनी है। अब इससे क्या होगा, हम लोग के समझ लीजिए 10 पौधों में इस गोली का, सिर्फ एक गोली मैंने यहाँ रखी है, कपड़े में चाहे तो उससे भी बांध दीजिए। कपड़े से क्या होता है, थोड़ी छन के कपूर गलता है, ऐसे डायरेक्ट हम रख देते हैं तो कपूर हमारा जल्दी उड़ जाएगा, बस इतना फायदा होता है। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, कपड़े में भी रख सकते हो, कपड़े में रखने का मतलब यही होता है जो छन छन के महक जैसे उड़ती है तो वो चीज होती है, और थोड़ा हमारा कपूर थोड़ा हम लोग बचा लेंगे। तो मुझे आज नहीं बचाना है क्योंकि मुझे अपने पौधे बचाने हैं, तो मैं नहीं बचा रही हूँ इसलिए मैंने गोली डायरेक्ट ऐसी रख दी है। अब ये क्या होगा, इस कीड़े की इसे मुझे तो यहां, मैं इतनी दूर खड़ी हूँ तो भी मुझे महक आ रही है। अब सारे कीड़े जो हो जाएंगे डर के मारे इतनी तेजी से भागेंगे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसी दौड़ लगेगी कीड़ों की कि दूर दूर से भी ऊपर से दौड़ते हुए आएंगे गार्डन में और देखेंगे अरे यहाँ तो हमारे लिए बहुत भयानक तरीके से इंतजाम कर रखा है, तो कोसों दूर भाग जाएंगे। तो आज मेरा ये बेनिफिट हो गया, इन कपूर का बेनिफिट हो गया है, इसका बेनिफिट हो गया, गोली का बेनिफिट हो गया और काढ़े का बेनिफिट हो गया। तो ये 3 चीजें हम लोग को बरसात में अपने हर पौधे में इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है, नीम का स्प्रे करना है, कपूर का स्प्रे करना है हर 4 दिन में, तो हमारे कीड़े की हो जाएगी छुट्टी। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आप ये इंतजाम कर लीजिए तो ना आपके कमर, ना आपके पौधों की कमर टूटेगी, ना आपके पौधों का मुंह बनेगा, ना आपके पौधे टेढ़े होंगे, ना आपके पौधों के में जालियां बनेंगी, ना आपके पौधों में छेद होगा। तो मैंने और मैंने इस कपूर को चूरा बना दिया है, और ये कपूर हमारा समझ लीजिए जो पूजा में यूज होता है, हर चीज हर मतलब समझ लीजिए मच्छरों की 100 गुना बीमारी दूर करता है, मच्छरों क्या टाइफाइड मलेरिया सब में ये काम आता है। तो ये हमारे पौधों के भी मलेरिया मतलब जो हमारे पौधों में कुष्ठ रोग हो जाते हैं, मतलब कि पत्तियां मुड़ रही हैं, ये देखिए यहाँ पे पत्तियां मुड़ रही हैं इस तरह से, और अक्सर पीली पत्तियां हो रही हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, तो उन सब के लिए हमारे लिए 100% गुण होता है, संपन्न होता है। और ये हमारे ऊपर भी जो मैंने दिखा दिया, ऊपर का आइडिया दिखा दिया, इस तरह से ऊपर भी हम लोग इसको छिड़काव कर सकते हैं हल्के हल्के। तो ये क्या होगा, जो हमारे ऊपर से हल्के से पत्ते मुड़ रहे हैं तो ये कीड़े हमको दिखते नहीं है, और ये मट्टी में कीड़े होते हैं इसकी वजह से ये पत्ते मुड़ते हैं, मेन हमारे मट्टी में कीड़े हो गए हैं, तो हमको मट्टी का अब इसका इलाज करना है। ऊपर का तो इलाज हमने कर दिया, तो ये हमने इस तरह से जो टैबलेट दिखाई वो भी और ये कपूर भी इस तरह से हम लोग को चुटकी चुटकी अपने हर गमले में डालना है बरसात के टाइम, क्योंकि बरसात में स्नेल जो हम लोग के शंख वाले कीड़े होते हैं, और एक लाल कलर का जो हम लोग का होता है सरसों का दाने से थोड़ा मोटा रख लीजिए, गेहूं से थोड़ा कम रख लीजिए, उतने मोटे काने इसमें इतने लाल कीड़े हो जाते हैं, जो कीड़े हमको वो ना वो चलते हैं ना कुछ दिखते हैं लेकिन हमारे पौधे पूरे नष्ट कर देते हैं। तो ये उसके लिए रामबाड़ उपाय लेके आई हूँ, इस तरह से हमको कपूर अपने हर पौधे में डाल देना है। तो क्या होगा,
ये जो हमारे पत्ते मुड़ रहे हैं, जितनी मिट्टी में हमारी खराबी आ रही है, ये 100% हम लोग ने इलाज इसका कर दिया है। तो फ्रेंड यही सब मेरी आज की जानकारी थी जो आपके बहुत काम आने वाली है। आप लोग अजमा के देख लीजिएगा, उसके बाद ही मेरे को कमेंट करिएगा कि हाँ भाई बॉबी जी आपने वाकई में 100% हम लोग को इलाज बताया। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर से कुछ ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स लेके आती हूँ आपके पास जो आपके बहुत काम आने वाली है। ओके फ्रेंड, बाय बाय।